क्यों कर रही हो ये सब? जब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं तो यहां रुकने की क्या जरूरत है? काय की घर छोड़ के चले जाने से समस्या का हल तो नहीं निकल आएगा ना। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम इतने रहें और सब कुछ साबित करके दिखाएं। हाँ, भले हमें थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े तो ठीक है ना। क्या हुआ? हम ये साबित करना चाहते हैं कि एक छोटे घर की लड़की भी एक अच्छी बहू बन सकती है। हम माँ साहब को ये बताना चाहते हैं कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से अच्छा या बुरा होता है। और क्या पता, शायद इससे माँ साहब के मन में जो चोट लगी है वो भी धीरे धीरे भर जाए। और रही बात आपकी, तो एक तरह से देखा जाए तो हम आपको आपके घर से अलग कर देंगे ना। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई जे बोले कि नाचने वालियां तो सिर्फ घर तोड़ने का काम करती हैं। हम दिखाना चाहते हैं सबको कि हम घर जोड़ भी सकती हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। अब हम बताते हैं कि आग कैसे लगाते हैं। हाँ, ऐसे लगती है आग। सही कह रहे हैं।
कौन है सुमन? आगे क्या वो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी ठकुराइन, हम जानते हैं हमारा इतने आना आप लोगों को पसंद ना है। हम नाचने वाली से पर खुद की इज्जत इतनी तो करते हैं कि जहाँ हमारा सम्मान नहीं हम उतने नहीं जाते, पर मजबूरी है हमारी। जे हवेली हमारी मोड़ी का ससुराल है, कल करवा चौथ है, इसलिए बायना लाए थे हम उसके लिए। साथ में भेंट भी है। इस हवेली की इतिहास में यह पहला मौका है जब एक नाचने वाली अपनी बेटी को इस घर की बहू का नाम दे रही है और उसके लिए हवेली के अंदर भाईना आया है। कमाल है, जो नाचने वालियां ठाकुरों को देखकर अपनी चप्पलें हाथ में उठा लेती थी, आज ठाकुरों के घर में घुसकर करवा चौथ की विधि की रस्म करने आई है। तुम जानती भी हो करवा चौथ क्या है? किया है कभी तुमने? कैसे करोगी तुम? जो औरतें कपड़ों की तरह मर्द बदलते हैं वो रिश्तों की भाषा क्या जाने? अरे अपनी जवानी में जिसे फंसाना था तुमने, लेकिन अब इस उम्र में तुम किसी ठाकुर को फंसा कर उसके लिए करवा चौथ करो और उससे बड़ी रकम निकलवाओ, ये तो अब संभव नहीं है। करवा, क्या संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को, वो तो तुमसे भी दो कदम आगे निकली। बाजार में सजने वाली चीज हवेली की शान बनना चाहती है, क्यों कर रही हो ये सब ढोंग? पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो और जाओ, हमारे रीति रिवाज क्यों खराब कर रही हो तुम? बड़ी ठकुराई, हम समझते थे आपकी समझ कुछ अलग है, आप इन सब से अलग है। बहुत सम्मान दिया हमने आपको, पर आप पछता रहे हैं कि आप इस सम्मान के लायक ही नहीं। ए! तमीज से बात कर, किसी धोखे में मत रहना। तुम्हारी बेटी आदित्य ठाकुर की पत्नी बनी है, इस घर की बहू नहीं। पैरों की जूती से ज्यादा औकात नहीं है उसकी। कितने भी तमाशे कर ले, इस हवेली की ठकुराई नहीं बन सकती वो। हमारी मौढ़ी को आपकी तरह हवेली का सुख भोगने का या ठकुराई का शौक नहीं है रीमा ठकुराइन। ये ठकुराई आप ही को मुबारक हो। और हाँ बड़ी ठकुराइन, दे सही कहा आपने, बच्चे को संस्कार उसकी माँ ही देती। और अब जब आपके जैसी औरत दूसरे औरत की इज्जत करना नहीं जानती तो उसका बेटा का करेगा किसी औरत की इज्जत? तुमसे यही उम्मीद थी, तुम भी आओगी और कीचड़ उछालोगी। हम ठाकुर हर रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं, फिर चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का। तुम्हारा कहा हर शब्द हमें याद रहेगा और समय आने पर हर शब्द का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। फिलहाल ये रखो।
ठाकुरों की दहलीज के अंदर नाचने वालियों की भेंट नहीं आती। हम सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। आज तक हर नाचने वाली ठाकुरों के दहलीज पर यही आस लेकर आई है। यह है तुम्हारी भेंट की कीमत। उठाओ सिक्के और निकल जाओ हमारी हवेली से। एक तरफ आप कहती हैं कि नाचने वाली सिर्फ सौदा करना जानती है, बहू घर की इज्जत होती है, और बहू के लिए आई गई भेंट का सौदा इन सोने के सिक्कों से करके आपने जे साबित कर दिया है। सौदा करना आपकी आदत में है। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मरवा कर हमारी हवेली से बाहर फेंकवा दे, उठाओ ये सिक्के और निकल जाओ हमारी हवेली से। आपने सही कहा बड़ी ठकुराई, सौदा करना हमारी फितरत में है। हमारे पास तो फिर भी सौदेबाजी का हुनर है बड़ी ठकुराई। एक वक्त की रोजी रोटी आज भी कमा सकते हैं, पर जब आपके जो सिक्के खत्म हो जाएंगे तब पर्दे के पीछे की असली इज्जत सामने आएगी। बुरा बखत किसी का भी आ सकता है बड़ी ठकुराई। इसे संभाल के रखिएगा। मैं तुम्हारे सर पे बाम लगा देता हूँ। थकान की वजह से तुम्हारा सर दुखने लगता है ना, आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, आज हमारा सर नहीं दुख रहा। वो तो पता है तब दुखता है जब हम पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर होते हैं। वैसे भी आजकल तो इस घर में 24 घंटे मनोरंजन ही मनोरंजन है, फिर इस बाम की हमें क्या जरूरत। कैसी बातें कर रही हो तुम, घर में कितनी सारी परेशानियां चल रही है और माँ साहब की हालत तो जानती हो ना। मैं ना एक काम करती हूँ, आपके लिए बाजार से माँ नाम की माला मंगवा देती हूँ, फिर आप बैठे रहिएगा किसी कोने में और जपते रहिएगा माँ नाम की माला। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं ना आज बहुत खुश हूँ, तो मैं आपको डांट के ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। अच्छा जी, तब तो घर में जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। अरे हाँ, आपको पता ही क्या हुआ? हाँ? आज ना मुकाबला हुआ है, मुकाबला भी घमासान, पर इस बार ना पासा जरा उल्टा पड़ गया। जानते हमारी माँ साहेब हमारी टीम की कप्तान, वो तो हार गई, पर अगर आप वहाँ होते ना तो और मजा आता। दोनों खिलाड़ियों का घमासान मुकाबला देखने लायक था, अभी तो मजा ही आ गया। तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भूल ही गए कि कुछ सोचने और समझने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है, अब जो आपके पास तो है ही। आप एक काम ही करो, आप ना हमें बाम लगा ही दो, क्योंकि माँ साहब की हार के बारे में ना सोचते सोचते हमारा सर सच में दुखने लगा। लगा दो आप बाम। बाम लगा ही देता हूँ। क्या कर रहे जी, पूरा लगा दिया बाम आपने। बात बात में ध्यान नहीं रहा, वो हाथ तुम्हारी आंख में चला गया। जाओ जाओ जाओ, आंख धो लो। कुछ के डाला ना? नहीं 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 नहीं, आंख धो लो, आंख धो लो, जाओ भागो 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 भागो। कैसा भी हो जिंदगी में मनोरंजन बहुत जरूरी होता है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया सीता मैया
सुगनी को बायना तक ना दे सके। सुगनी, माई, क्या हुआ? कछु नहीं, बस चटका लग गया। चूल्हा इतने तुम अंदर काहे ना हो? तुम्हीं ने तो कहा था कि अपनी लड़ाई अब खुद लड़ो, तो वही कर रहे हैं। मुश्किलें आएंगी लेकिन अब हम वही कर रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे? कल करवा चौथ है ना, तुम्हारा पहला करवा चौथ, पायना लाए थे, जे देखा। आदित्य ठाकुर मालक के लिए कछु करने का पहला मौका है, बहुत मन से व्रत रखना, ठीक है? रुको, तुमने सुना नहीं मां साहब ने क्या कहा? तुम्हारा ये बायना इस हवेली में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तुमने तो आदित्य से शादी हमारी शादी बचाने के लिए की थी ना, तो क्यों कर रही हो ये करवा चौथ का ढोंग? क्या कर रही है रीवा मामी? आप लोग तो सुगनी को अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते, फिर हमारी जिंदगी के फैसले भी ले रहे हैं। सुगनी मेरी पत्नी है, पर पत्नी होने के नाते उसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का पूरा अधिकार है। आप नहीं चाहती कि मेरी उम्र लंबी हो? अच्छा है आप सुगनी के लिए बायना लेकर आ गए, और माफ कीजिएगा हवेली में जो आपका अपमान हुआ उसके लिए। नहीं आदित्य ठाकुर मालक, हमारे लिए तो सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि आप ढाल की तरह खड़े हैं हमारे मोढ़े के साथ। हमें और कछु नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जीवन भर आप दोनों खुश रहें और इसी तरह साथ बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो ऐसा ही होगा। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, आप लोग आराम से बातें कीजिए। जी।